करें तो कल पार्लियामेंट ने 15 एमपीज को सस्पेंड किया था, बताया जा रहा है कि 13 को किया है, दो जनों को फिर से रिवोक किया है, तो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट वहां देखा होगा पूरे जो इंसिडेंट में जो कोई मसला हुआ परसों, उसमें दो तीन चीज सोचने जैसी है। पहले तो ये अंदर आए कैसे, पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी जो अपने लोकशाही का लोकतंत्र का मंदिर है, कैनिस्टर में ये लोग आए कैसे बिना फ्रिस्किंग के कैनिस्टर लेके। उसके बाद अगर आप देखें तो कल जिन्होंने आवाज उठाई, जिन सांसदों ने आवाज उठाई कि इस पे कोई चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तो उनको सस्पेंड किया गया। अच्छा, उसमें एक दो तो ऐसे हैं जो वहां नहीं थे तो भी उनको सस्पेंड किया है। नहीं, गुस्सा और क्रोध की बात है, सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मन में घृणा लेके चल रहे हैं। और तीसरी बात ये भी है, अगर आप सोचें तो जो दो लोग थे जिन्होंने कूदे और वेल में गए, वैसे तो अपने लाइफ को रिस्क कर रहे थे, सुसाइड साइड भी हो सकते थे, लेकिन बढ़कर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का मसला इतना बढ़कर अपने देश में चला हुआ है, खुद के जीवन के बारे में विचार न करते हुए इन्होंने कूदे हैं।